राजधानी में निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही मैडम रजनी रावत भला कहां पीछे रहने वाली थी। मैडम रजनी ने अपने 4000 से अधिक समर्थकों के साथ नगर निगम में अपना नामांकन दाखिल किया। ये हजारों की भीड़ मौजूदा बीजेपी के दावेदार सुनील गामा की रैली से कई अधिक दिखाई दी, जहां बीजेपी संगठन ने भीड़ जुटाने के लिए सभी वार्ड पार्षदों को आज ही नामांकन के लिए बुलाया। बावजूद इसके भी बीजेपी भीड़ जुटाने में कामयाब नहीं हो पाई। तो वहीं दूसरी ओर मैडम रजनी रावत ने हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल होकर मेयर के लिए पर्चा भरा, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा, जो सभी पार्टियों के होश उड़ाने जैसा था। रजनी ने लगभग अपने 5000 से अधिक समर्थकों के साथ नामांकन कर चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। वहीं मैडम ने कहा कि इस बार दून की जनता उन्हें तीसरे विकल्प के रूप में चुनने जा रही है। जनता मेरे साथ है, हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपके माननीय केजरीवाल जी ने हमारे हाथ में झाड़ू दिए हैं, सारे देहरादून सिटी का गंदगी सारे साफ करने के लिए, सारा साफ करने का हम काम करेंगे। जितने भी भ्रष्टाचार है देहरादून में, हमारे नगर निगम के अंदर जनता देखिए कितनी परेशानी है, किसी की रोजगार नहीं है, कोई महिलाओं का कोई सुविधा नहीं, यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है। ये हमारे पार्टी ने सोचा है, केजरीवाल की पार्टी जी ने सोचा है, आम पार्टी ने सारे यहाँ उत्तराखंड के नगर निगम में सुविधा दी। देखिए मेरी बात सुनिए, रजनी रावत का कोई नई चेहरा तो है नहीं, दुनिया रजनी रावत को जानती है। रजनी रावत के साथ में देखो भीड़ कैसा है, भीड़ को आप जानते हो। एक तरफा चुनाव रजनी रावत नहीं जीत सकती है, मुझे उनको लोगों दोनों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मैं उनको कुछ भी नहीं समझती। आपके कोई धोखा नहीं होगा, आपके कोई जीता जो 2008 में एक तरफा जनता ने जिताया था, ऐसे ही आपके जो चुनता एक तरफा चुनाव जिताएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैडम जी लगता है तीसरे विकल्प पर होगा, खुद को देख रहे हैं आप, तीसरे पार्टी के आप विकल्प पर। देखिए मेरी बात सुनिए, जो तो वो तो हर बार में ही है, रजनी रावत का जाना माना नाम है, ये पार्टी एक तरफा, रजनी रावत का नाम एक तरफा। देखिए कांग्रेस बीजेपी को उनके पार्टी के नाम से लड़ते थे, आपके तो मुझे शुक्रिया मनाई है कि माननीय केजरीवाल जी ने हमें चुनाव चिन्ह झाड़ू दिए हैं, हम तो पार्टी सिंबल से लड़ेंगे। आपके मुझे पूरी मजबूती से पूरा मुझे विश्वास है कि एक तरफा हमारा चुनाव होना जाएगा। जैसे पीछे आप कहते रहे बिल्कुल झाड़ू से सफाई करेंगे, जितने भी देहरादून उत्तराखंड की जनता कांग्रेस और भाजपा के शासन में ग्रस्त है, और आज खासतौर से मैं देहरादून की बात यदि करूँ तो देहरादून की जनता चाहती है कि यहाँ पर एक किस्मत हो, और आम आदमी पार्टी ने बड़ी ही दूर बोल के साथ जनसंख्या देख के पता लग ही रहा होगा किस तरीके का माहौल है और क्या गरिमा आगे बनने वाली है इलेक्शन की भी, और क्या आगे पोजीशन दिखाएगी पार्टी जी। आपके कंपटीशन सीधा सत्ताधारी पार्टी से, उनके जिम्मेदार उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, उसको कैसे देखेंगे? देखिए कंपटीशन जब किसी सत्ताधारी हो जो कुछ भी हो गया तो आप आम जनता जानती है कि किसने क्या करा क्या नहीं करा, और क्या क्या व्यवस्था रही है यहाँ पे शहर में, एक निगम की व्यवस्था ऐसी रहती है। अभी आए दिन स्कूलों में कुछ कांड हो रहा है, कभी किसी रेप केस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बसों की व्यवस्था देखो, बसों में क्या रोज छेड़खानी हो रही है, रोज का विषय है। तो भाई जी आपका जो मुद्दा होगा, एजेंडा क्या रहेगा चुनाव मैदान में उतरेंगे? मेन मुद्दा तो पहले तो भाई जी एजुकेशन का ही है, जो एजुकेशन बहुत पिछड़ा वर्ग यहाँ पर हो जा रहा है, और पढ़ाई में बहुत पिछड़ा हो जा रहा है, और जो महिलाओं से छेड़छाड़ हो रही है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार है। Thank you.
देहरादून से श्रमिक मंच के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।